दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कराए हैं, अगर आपने अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराया है, या अगर आपने अपने आधार कार्ड पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज अगर आपने अपडेट कराया है, तो अपडेट कराने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि कितने दिन में अपडेट हो जाएगा, कितने दिन में आपका आधार कार्ड आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा और कितने दिन में आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो अपडेट कराने में कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला बात कर लेते हैं, लोग जो अपडेट कराते हैं आधार कार्ड, उस पर अपने बायोमेट्रिक को अपडेट कराते हैं। बायोमेट्रिक में यह होता है कि अगर आपका आधार कार्ड पुराना है और आपने उसको 5 साल के बाद आपका जो भी बायोमेट्रिक है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट हो गए, आपके आइरिस हो गए या आपके फोटो हो गए, आप उसको अपडेट कराते हैं, तो अपडेट कराने के बाद लगभग सबसे पहला जो अपडेट होता है वो आपका बायोमेट्रिक अपडेट होता है। और बायोमेट्रिक अपडेट होने के लिए कम समय लगते हैं। उसके बाद जो बायोमेट्रिक अपडेट कराते हो, बायोमेट्रिक अपडेट कराने के बाद मैंने ये देखा है कि लगभग 2 से 3 दिन में भी अपडेट हो जाता है, पर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाता है और आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। लोग ये भी पूछते हैं, हमने आधार कार्ड अपडेट तो करा लिया पर अभी तक हमारे घर के एड्रेस पे नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड आपके घर के एड्रेस पे आने के लिए कभी कभी समय लग जाता है, क्योंकि वहां से जो डिलीवर होता है वो कभी कभी आपके घर पे भी नहीं पहुंच पाता है थ्रू जो भी कुरियर डिपार्टमेंट होती है, या कुरियर बॉय के थ्रू आपके घर पे समय पे नहीं आ पाता या वहां से मिसप्लेस हो जाता है। पर आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। UIDA के आप वेबसाइट पे चले जाना है, आधार कार्ड के वेबसाइट पे चले जाना है UIDAI, और वहां से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट कराया है तो मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट कराते हैं, बदली कराते हैं, तो मोबाइल नंबर भी आपका 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 10 दिन में आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार कार्ड पे अपडेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने आपका नाम बदली किया है या डेट ऑफ बर्थ आपने अपडेट कराया है या कोई भी चीज़ अगर आपने अपडेट कराया है नाम में, तो कितना समय लगता है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से किए हैं, अगर कुछ टेक्निकल एरर नहीं आता है, तो आपका जो नाम है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाते हैं। इतने समय में आपको आपका आधार कार्ड अपडेट करके मिल जाता है, आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। घर पे आने का जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया वो सिस्टम होता है, आपके घर पे आए या ना आए, आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के लैमिनेट करा सकते हैं और उसको एज ई आधार या आप फिजिकल आधार भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब हम एड्रेस चेंज करते हैं, एड्रेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही आधार कार्ड को अपडेट कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आधार कार्ड पे, आप अपना जो भी एड्रेस होता है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका एड्रेस अपडेट करते हैं, और एड्रेस अपडेट करते समय अगर आपने सारे दस्तावेज प्रॉपर अपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अपलोड किए हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई होने के बाद 10 से 15 दिन में आपका आधार कार्ड का एड्रेस भी चेंज हो जाता है। आधार कार्ड पे एड्रेस या आप नाम या डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करते हैं तो उसके लिए समय लगता है, और बायोमेट्रिक जो अपडेट होता है वो जल्द से जल्द हो जाता है, पर ये अपडेट चेंजेस के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए आपको घाई नहीं करना है, 10 से 15 दिन वेट करना है, इतना दिन में आपका आधार कार्ड लगभग अपडेट हो जाता है। अगर आपने अपडेट कराया है तो आपको किस तरह पता चलेगा, तो आप उसको भी ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड के वेबसाइट पे चले जाना है और जो भी आपकी रिसिप्ट पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, डेट टाइम डाल के आप बड़े आसानी से आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर ग्रीन हो चुका है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो हो चुका है, और अगर रेड हो चुका है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको वो चीज़ चेकआउट कर लेना है। और जो आप आधार कार्ड अपडेट कराते हैं, मैं आपको बताऊं, लगभग 15 दिन तक आपका, इतने दिन के अंदर आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप आधार कार्ड के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट टाइम बता सकते हैं, पूरी जानकारी दे देंगे, तो आपको पूरी अपडेट बता देंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, क्या कारण है। आपको उनके हेल्पलाइन नंबर से या हेल्पलाइन पे मेल भी करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी था, अगर आप आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं
तो कितने दिन में आपका आधार कार्ड अपडेट होता है और आप किस तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो वेबसाइट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी की जो डिटेल है आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।